नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दूत। अवैध बंदूक व तमंचे के साथ दो साथी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। जी हां, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर के निर्देशानुसार में क्राइम ब्रांच फ्री के तहत स्वाट टीम की मदद से माधवगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें दो साथी अपराधियों को अवैध बंदूक व तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। माधवगढ़ सीओ साहिबा नसरीन के दिशा निर्देशन में वांछित अपराधी शराब तस्कर व अन्य साथी अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान में प्रभारी निरीक्षक बीएल के कुशल नेतृत्व में स्वाट टीम व माधवगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें मुखबिर द्वारा पुलिस को दो साथी अपराधियों की सूचना मिली, जिस पर प्रभारी निरीक्षक बीएल यादव ने स्वाट टीम के साथ कार्रवाई करते हुए दो साथी अपराधियों को पहुंच नदीपुल ग्राम गोपालपुरा से दबोच लिया गया। अभियुक्त विशाल यादव पुत्र शिवराज सिंह ग्राम गोपालपुरा व सुनील पुत्र कमलेश ग्राम गोपालपुरा को एक अदद SBBL गन व एक तमंचा 12 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस, एक एंड्रॉइड फोन, अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई। अपराधियों को गिरफ्तार कर माधवगढ़ कोतवाली लाया गया। अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व अन्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। आज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई जंगलों में, क्या था पूरा मामला, क्या सफलता मिली? थाना एडर क्षेत्र में आज दोपहर लगभग 3-4 के बीच में नावली ग्राम के आसपास एक संदिग्ध सफारी स्टोर गाड़ी दिखाई दी, जिसकी पुलिस ने चेकिंग करने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा उन लोगों के द्वारा जो गाड़ी में सवार थे अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर की गई। इसमें 6-7 लोग पूरी गाड़ी में थे। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसकी पहचान भूपेंद्र उर्फ निक्की के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला है। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये जनपद में जो आपका जालौन जनपद है, इसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई प्रकार की चोरियां घरों में घुसकर चोरियां की हैं। इसके अलावा इसके गैंग में जो और 6-7 लोग हैं उन पर भी भिंड में और ग्वालियर में लगभग 25-30 मुकदमे, ये बता रहे हैं कि चोरी के, हत्या के, लूट डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। हार्डकोर क्रिमिनल का गैंग है 7-8 लोगों का, जिनके पास में एक सफारी गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है। गाड़ी को बदल बदल के विभिन्न जिलों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में, जनपद ललितपुर में, जनपद झांसी में, जनपद जालौन में और मध्य प्रदेश में घरों में घुसकर चोरी की घटनाएँ करते हैं। सर, कितने लोगों का गैंग था और जनपद जालौन में कौन से कहां इनका हाथ चोरियों में रहा? देखिए, 7 लोग अभी हमें ट्रेस हुए हैं, जो घायल है उसने बताया कि 7 लोग अभी हैं, लेकिन किसे ये सामान चोरी का या लूट का जो भी सामान था किसे ले जाके बेचते थे वो भी इनके गैंग का सदस्य होगा। जो गाड़ी इनके पास से बरामद हुई है उसका भी तस्दीक किया जा रहा है कि वो चोरी की है या कैसी है, और इसके अलावा इनके पास से चांदी के आभूषण और जो हथियार ये प्रयुक्त करते हैं, जो कटर यूज़ करते हैं ताला काटने के लिए, तमंचा कारतूस, सब कुछ पुलिस को बरामद हुआ है। 7 लोगों का इनका गैंग है। सर, घायल बदमाश का क्या आपराधिक इतिहास है? घायल बदमाश पर अभी जो पता चला है आर्म्स एक्ट का और मर्डर का केस ग्वालियर में दर्ज है इसके ऊपर, और बाकी इसके जो 6-7 साथी हैं उन पर 25-30 मुकदमे दर्ज हैं। सर, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी हुआ है, ये किस विभाग में था पहले या कुछ? जी, जो अभी तक थाना और SBBL की टीम ने जो वहाँ पर पूछताछ की है उसमें बताया गया है कि ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस का सिपाही है, बर्खास्त है, इसे बर्खास्त कर दिया गया था, जो जानकारी मिली है वो तक ये। सर, जालौन पुलिस की तरफ से कोई हानि है कोई किसी तरह की? नहीं, काफ़ी राउंड बदमाशों के द्वारा फायर किया गया, लेकिन पुलिस इसमें सुरक्षित है और पुलिस की बहादुरी को देखते हुए इसमें 10,000 का इनाम मेरी तरफ से।